Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. हमने new chapter start कर दिया था, chapter number 14, marketing mix. And ये उसका second part है. इसमें हम पढ़ेंगे price mix के बारे में. So let's begin. सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग. इसमें किसके बारे में बात हो रही है? प्राइस के बारे में, किसी चीज़ के मूल्य के बारे में. ठीक है, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो आपको उसका प्राइस चुकाना पड़ता, तो उसी प्राइस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की मनी वैल्यू को बोलते हैं प्राइस. क्लियर. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. ये अमाउंट होता है ऑफ मनी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो एक सेलर मांगता है अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बदले में, या फिर वो अमाउंट जो कि एक बायर को देना होता है जो चीज़ उसने खरीदी है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू क्लार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विस इज इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. ठीक, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोड्यूसर है वो प्राइस कैसे रखेगा किसी भी चीज़ के, या तो वो उसकी कॉस्ट देखेगा कि कितनी कॉस्ट लगी इस सामान को बनाने में, फिर वो अपना मार्जिन भी उसमें ऐड करेगा. क्लियर. तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के प्राइस रखा जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन दिस फैक्टर आर डिस्क्राइब्ड बिलो. इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कॉस्ट हो गई प्रोडक्ट की, क्वालिटी, सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हो गई. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? डिमांड, कॉम्पिटिशन, बाइंग मोटिव, रिस्क एंड गवर्नमेंट कंट्रोल. ओके, सो नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द फर्म्स ऑब्जेक्टिव. प्रोडक्ट का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? फर्म के ऑब्जेक्टिव पे. अ फर्म में डिसाइड आउट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट. फर्म के कितने सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट, टारगेट लेवल ऑफ सेल्स की यहाँ तक हमें सेल्स करनी ही है, अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ द मार्केट, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ETC. द प्राइस फिक्स्ड फॉर अ प्रोडक्ट मस्ट बी इन लाइन विद द फर्म्स प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. नंबर टू, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ. ठीक है, essentially retail prices are cost of production and distribution plus the profit margin, and जो उसका margin होगा वो भी. no business can survive for long without covering its cost. कोई भी business survive नहीं कर सकता अगर वो अपनी cost को ही cover नहीं करेगा तो. ठीक है, in the long run price should cover the total cost per unit, but in the short run price should cover variable cost. नंबर थ्री, कस्टमर डिमांड. कस्टमर की डिमांड भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, द नेचर एंड साइज ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ एन आर्टिकल इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्राइसिंग. वैन देयर आर सब टाइटल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड बायर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई. इन सच केसेस द फर्म कैन इंक्रीज सेल्स बाय रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. जब सेल्स बढ़ानी होती हैं तो प्राइस को कम कर दिया जाता है. ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, प्राइस को भी बढ़ा देंगे. लेकिन जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस को भी कम कर दिया जाता है ताकि सेल ज़्यादा हो. ठीक है, इस बहाने लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें क्योंकि उसकी प्राइस अब कम हो गई है. आई होप दिस पॉइंट क्लियर. नंबर फोर, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसने क्या प्राइस रखा है उस वैल्यू का. अगर हम भी कोई ऐसी चीज़
बेच रहे हैं जो कि हमारे कंपटीटर के पास भी है, ठीक है। तो उसने क्या प्राइस रखा है, तो उसको देख के भी प्राइस रखा जाता है कि उसने क्या प्राइस रखा है। क्लियर। प्राइस इज चार्ज बाय कंपटीटर, ऑफन एक्ट एज द गाइड इन अ प्राइसिंग डिसीजन। नंबर फिफ्थ, क्वालिटी एंड सर्विस। एन आर्टिकल में बी सोल्ड एट अ प्राइस मच अबव द कॉस्ट इफ द कस्टमर कंसीडर्स आर्टिकल इज एक्सेप्शनल क्वालिटी और वैल्यू सर्विस रेंडर्ड इन इट सेल। ऑन द अदर हैंड, द आर्टिकल मे नॉट सेल इवन एट अ लो प्राइस इफ द क्वालिटी और सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर। क्लियर। लास्ट नंबर सिक्स, गवर्नमेंट कंट्रोल। प्राइजेज ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इन इंडिया मैक्सिमम प्राइजेज ऑफ एडिबल ऑयल्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, शुगर, सीमेंट ETC आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन सब चीज़ों के प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। किन किन के? ऑटोमोबाइल्स, ऑयल, मेडिसिन, शुगर, सीमेंट। क्लियर। पब्लिक पॉलिसी देयरफॉर इन्फ्लुएंसेस प्राइस। सो दीज आर द सिक्स पॉइंट्स विच डिटरमाइंस प्राइस। क्लियर। दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन प्राइस। क्विक रिवाइज करते हैं इनको। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर थ्री, कस्टमर डिमांड। नंबर फोर, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। नंबर फाइव, क्वालिटी एंड सर्विस। एंड लास्ट नंबर सिक्स, गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप नो डाउट्स लेफ्ट। If you had any doubt left, please do comment below. I will answer to your question. Thank you so much. Stay safe, keep studying and stay tuned. Thank you so much.